ट्यूटोरियल कंटिन्यू करते हैं आज इस इंटरेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हाउ लाइक ऑपरेटर वर्क ऑन इंटेजर फील्ड अब तक हमने वैर कैर फील्ड के ऊपर ही लाइक like ऑपरेटर का यूज किया है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी यूज मल्टीपल वाइल्ड कार्ड इन सिंगल लाइक स्टेटमेंट एक सिंगल लाइक स्टेटमेंट में क्या हम मल्टीपल वाइल्ड कार्ड्स यूज कर सकते हैं लाइक अंडर परसेंटाइल एक लाइक like स्टेटमेंट में यूज हो सकते हैं या नहीं चलिए आंसर्स जानते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माउंट एवरेस्ट टेबल एज कॉलम है जिसका टाइप है इंटेजर चलिए एज कॉलम के ऊपर सर्चिंग करते हैं बाय यूजिंग लाइक ऑपरेटर पहले डेटा देखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माउंट अंडर स्कोर एवरेस्ट अब अभेज कॉलम में से मुझे ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसमें टू हो और ऐसी एज वैल्यूज जो रेंज करती है बिटवीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन सो टू से मैं सर्च कर सकता हूँ आई यूज द लाइक ऑपरेटर हियर लेकिन इंटेजर फील्ड है अब तक हमने लाइक like ऑपरेटर का यूज सिर्फ वैर कैर पे किया है चलिए क्वेरी लिख के देखते हैं आई विल से एज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट वेयर एज लाइक एल से टू और परसेंटाइल परसेंटाइल एज इट इज इंटेजर हमने कोर्स को रिमूव करके देखा लेट सी वॉट हैपन्स यू विल गेट एरर सपोज मैं पर्सन टाइल्स रिमूव करता हूँ एंड सिर्फ ट्वेंटी टू देता हूँ तो मुझे ट्वेंटी टू वैल्यू मिल जाएगा अगर आप सिलेक्ट ऑल करते तो पूरे रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे तो अगर आपको लाइक like ऑपरेटर का यूज़ करके सिर्फ़ पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकते हैं लेकिन आपको वाइल्ड कार्ड्स का यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट इंटेजर वैल्यू नहीं लिख सकते आपको कोर्ट्स के अंदर ही इंक्लूड करना पड़ेगा सपोज मुझे ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिसमें टू हो पहली क्वेरी लिखते हैं इसमें आपको कोड्स का यूज़ करना ही पड़ेगा इवन इफ इट इज़ इंटेजर और फ्लोट एंटर करने के बाद यू विल गेट दीज मेनी वैल्यूज़ इतनी वैल्यूज है जिसमें टू है ये जो क्वेरी है माई एसक्यूएल डेटाबेस में सक्सेसफुली रन हुई है लेकिन हो सकता है कि पोषगरी एसक्यूएल में और ओरैकल में ये क्वेरी फेल हो जाए बिकॉज हमने कोट्स दिए हैं एंड इट इज इंटेजर फील्ड इस केस में आप टाइपकास्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंटेजर टू द कैरेक्टर कैरेक्टर हमने यहाँ पे यूज़ किया है बिकॉज फिक्स लेंथ वैल्यू है सो विल यूज़ द कैरेक्टर हियर जस्ट टू शो किस एग्जाम्पल सेम क्वेरी लिखता हूँ जस्ट मुझे चेंज करने कास्ट करना है मुझे एज कॉलम को सो आई विल कास्ट एज कॉलम एज एंड स्पेसिफाई द डेटा टाइप इट इज कैर एंड लाइक के बाद आई विल यूज कोट्स नाउ इट इज कैरेक्टर परसेंटाइल टू परसेंटाइल एंड वी गॉट द रिजल्ट ये क्वेरी आपको तभी यूज करना है जब ये एक वेरी फेल होता है इसके लिए आपको एरर मिलता है पहला क्वेश्चन क्लियर अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में कैन वी यूज मल्टीपल वाइल्ड कार्ड इन सिंगल लाइक स्टेटमेंट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सपोज मुझे सर्चिंग करनी है बाय यूजिंग एक्सपेडिशन आई यूज सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माउंट एवरेस्ट वेयर एक्सपेडिशन लाइक and I'll say percentile expedition percentile so ऐसे records मिलेंगे जिसमें expedition है and we got so many records अब मुझे searching को और advance करना है मेरे पास कुछ conditions है and the conditions are searching exp से होनी चाहिए first condition second condition is exp से पहले six characters होने चाहिए यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड द थर्ड कंडीशन इज ई एक्सपी के बाद कुछ भी हो सकता है सो so, ये तीनों कंडीशन मुझे फुलफिल करनी है वाइल्ड सर्चिंग यूजिंग लाइक ऑपरेटर सेम क्वेरी का यूज़ करता हूँ अब मुझे दोनों वाइल्ड कार्ड्स का यूज करना पड़ेगा पहली कंडीशन ई एक्सपी से सर्च होना चाहिए ई एक्सपी के पहले सिर्फ सिक्स कैरेक्टर्स होने चाहिए अब मुझे परसेंटाइल रिमूव करना पड़ेगा कुछ भी नहीं आना चाहिए एक्सपी से पहले सिक्स कैरेक्टर्स होने चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देन ई एक्स पी के बाद कुछ भी हो सकता है दिस इज आवर थर्ड कंडीशन सो पहली कंडीशन ई एक्स पी से सर्च होगा दूसरी कंडीशन ई एक्सपी से पहले सिक्स कैरेक्टर्स होने चाहिए एंड थर्ड कंडीशन ई एक्स पी के बाद कुछ भी हो सकता है सो वी हैव फुलफिल्ड मल्टीपल कंडीशन हियर बाय यूजिंग लाइक ऑपरेटर नाउ हिट एंटर एंड यू विल गेट दिस मेनी रिकॉर्ड्स देर इज अ स्विस expedition, you can see the spelling here, it is expedition and not expedition. Now final answer, yes, we can use multiple wildcards in single LIKE statement and you can give this example for reference. इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। We'll see you next time.